er det? Happy monsoons. Good evening. Good evening. 36 hours to go for your film. You have to look in the front and answer. Yes. 36 hours to go for my film. मैं बहुत excited हूँ. मुझे लगता है कि लोगों को ये picture बहुत पसंद में आएगी because it's very entertaining और आप family और दोस्तों के साथ देख सकते हैं. And I think, I hope, fingers crossed that people love it. किसके reaction की सबसे ज़्यादा like your like expectations? The entire audience, really, not a single person per se, but the entire audience. And your family? Of course, everyone in my family. Congratulations on the movie Shruti. Thank you. I think social media is wonderful. I think social media se hamare fans ke sath connect ho sakte hain. I've got a lot of positive benefits from it. Sometimes it goes overboard, but just like anything in life, it's up to you as to how you choose to balance it. Shruti, a very bold and a very dynamic presence on GQ Night from your side. ये नया लुक आप रखना चाहते हैं कंटिन्यू करेंगे? ये नया लुक नहीं है एक्चुअली, ये बहुत पुराना रिसाइकल लुक है. इट्स माय ब्लैक लेदर फेवरेट स्टफ, सो आई जस्ट थॉट आई गो बैक टू माय फेवरेट स्टाइल. क्या उम्मीदें हैं जब फिल्म रिलीज होगी? उम्मीद है कि ऑडियंस को ये पिक्चर पसंद आएगी. आई होप दे डू एंड दैट दे लीव विद अ स्माइल ऑन देयर फेस. Nothing at all. Nothing at all. It's been very positive. Hamare promotions bhi bahut achhe rahe hain. We've had a nice time, Raj and I. And nothing. It's just been positive and wonderful. People say something that disturbs you? No. No. Nothing at all. Any? क्यों आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ जी, मैंने सुना. मैंने सुना. मतलब नहीं. Nope. Nothing at all. Any? You would like to say to your critics and your followers? To my followers, I love you. To my critics, do what you do and I'll keep doing what I do. Great. आज तो बाजू से ही क्वेश्चन हो गया एकदम. हाँ वही तो देख ही नहीं सकते कैसा है. नहीं आपको देखूं नहीं देखूं? नहीं मुझे मत देखो. ठीक है. हैप्पी मॉनसून्स कार्तिक. हैप्पी मॉनसून्स आपको भी. एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन आई एम ग्लैड कि मॉनसून्स आर बैक एंड आई लव द वेदर एंड मुंबई रेन्स आर अमेजिंग. तो मज़ा आ रहा है और स्क्रीनिंग में आके और मज़ा आ रहा है बारिश से गुजरते हुए. भीगे कुछ? नहीं भीगा नहीं. मतलब शुरुआत में भीगने का मन था, खुद से भीगने का मन था, लेकिन भीगा नहीं. एंड बट कल परसों बारिश होगी तो ज़रूर भीगूंगा. कार्तिक मेरे को पूरा श्योर है कि मतलब जिस जिसने आपको कहा होगा ना, हमेशा ये शब्द तो आपके मुंह से निकला ही होगा. क्या ये जो फिल्म का टाइटल है, बहन होगी तेरी? मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि बहन होगी तेरी, बहन होगी इसकी और बहन होगी इसकी भी, और या फिर मतलब भाभी होगी तुम सबकी. तो ये मेरे मुंह से निकलता है एंड आई एम रियली हैप्पी. राजकुमार राव, श्रुति हसन, इनकी ट्रेलर बहुत अच्छा था फिल्म का. और अमूल, अंशुल, मोहन दोनों मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड उनको एज अ प्रोड्यूसर मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ. ट्रेलर की तारीफ है, आई एम श्योर फिल्म भी उतनी अच्छी होगी एंड रियली कान वेट टू वॉच द मूवी. अभी राइमिंग वर्ड भी नहीं मिलेगा. तारीफ, एप्रिशिएट. हाँ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा ट्रेलर बहुत अच्छे से रिसीव किया गया है. एंड आई एम वेरी गुड, थैंक यू. सो हाँ,
नहीं, आई एम रियली हैप्पी कि अप्रिशिएट किया है गेस्ट इन लंडन के ट्रेलर को, और वो भी काफ़ी फनी फिल्म है. एंड इधर पे आके मैं इनकी बात करना चाहता हूँ, बहन होगी तेरी की. एंड आई एम जस्ट हैप्पी ये फिल्म भी चले, हमारी फिल्म भी चले, एंड हमारी थोड़ी ज़्यादा चले. नहीं नहीं, सबकी थोड़ी ज़्यादा चले. जी दिस दिस अनदर मूवी विच आई एम डूइंग विथ लव रंजन सर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ प्यार का पंचनामा. एंड उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ जो टी सीरीज और लव फिल्म साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं. उसका शूट साथ ही साथ चल रहा है वाइल आई एम प्रमोटिंग गेस्ट इन लंडन. तो वो फिल्म भी इस साल के एंड में रिलीज होगी. तो नेक्स्ट इज गेस्ट इन लंडन, और उसके बाद इट्स एन अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, तो वो अनटाइटल्ड फिल्म रिलीज होगी एंड ऑफ दिस ईयर. आप डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, लेकिन फिर मैं पूछ लेता हूँ, गेस्ट इन लंदन को लेके, लंदन को लेके थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लोगों ने कुछ ऐसे कहा, उसके ऊपर आपकी कोई राय प्रतिक्रिया? देखिए, कोई भी कंट्रोवर्सी ऐसी एज सच कुछ है नहीं गेस्ट इन लंदन के साथ. आई थिंक लोगों ने ट्रेलर को सराहा है, उसके अलावा आगे पीछे एक एक्टर का काम उतना ही होता है कि वो अपना प्रोफेशन देख रहा है और एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, अपना काम कर रहा हूँ. उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर मैटर ऑल्सो. सारी चीज़ें सॉर्टेड है. फिल्म का जो रिलीज़ है उससे कुछ मैटर नहीं करता ये सारी चीज़ों में. टाइटल चेंज हुआ है बिकॉज पहले उसका नाम कुछ और था, अभी कुछ और किया गया बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़. प्रोड्यूसर्स उस बारे में ज़्यादा बात कर सकते हैं, मैं आधी अधूरी चीज़ें बोल के और एक कॉन्ट्रोवर्सी ना क्रिएट कर लूँ, तो बेटर है कि मैं अपना काम ज़्यादा देखता हूँ. थ्री क्वार्टर बोल दिया है, बाकी बाकी आप लगा दोगे. आपने कहा था कि आपकी एक और फिल्म आ रही है कि मतलब भाभी होगी तेरी, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी कोई फिल्म नहीं है भाभी होगी तेरी. बहन होगी तेरी आ रही है 9 जून को, एंड मैं सभी से आई थिंक विनती करूंगा कि थिएटर्स में जाके ये फिल्म देखें. थैंक यू सो मच कार्तिक. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी विल बी देयर फॉर योर स्क्रीनिंग, फिल्म स्क्रीनिंग. थैंक यू. मैं सब कुछ छाता लेके बुलाऊंगा. बाजी वाला, बाजी वाले ले भाई जी, कैमरा वाले मैडम लुक साइड. ओ अरे रिफ्रेश. हाय बोल दे. बाय 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 या फर्स्ट स्टैंड अप फॉर द विजुअल्स. थैंक यू. हिंदी या इंग्लिश मिक्स कर लीजिए. हैप्पी मॉनसून रागिनी. हैप्पी मॉनसून आपको भी. हाँ, आपके चेहरे को देखते लगने लगता है कि मतलब दिवाली आ गई और मानसून आ गया. वाह, मैं एक त्योहार हूँ. क्या भीगी हैं आप अभी सामने देखिए? नहीं, मैं नहीं भीगी हूँ फिलहाल. मैं भीगना चाहूँगी. आई लव मॉनसून. सिर्फ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है, बट या इट्स आई लव मॉनसून. या वेरी मतलब अलग तरह का टाइटल ना फिल्म का, बहन होगी तेरी. आई थिंक ये हर लड़का कहना चाहेगा उस औरत को, उस औरत के लिए जिससे वो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है. और अगर कोई उससे कहे कि वो तो तेरी बहन जैसी है, तो सबसे पहला रिएक्शन यही निकलता ना, अरे बहन होगी तेरी, मेरी नहीं है. एम आई इन अ गुड वे और इन अ बैड वे? ओके, थैंक यू. यू नो, सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गेट एक्सेस टू पीपल यू वॉन्ट टू गेट एक्सेस टू. लाइक इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट समथिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट टूल जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ईजीली. और उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मीडिया. इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, यू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, इफ यू आर अ पॉपुलर पर्सन, पीपल आर फॉलोइंग यू, दे आर लुकिंग अप टू यू, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर स्पीकिंग ऑल्सो, यू नो. So, at least in my case, I think it should be used very correctly because it's really impactful. I'm looking forward to have a great time.
and don't edit my clip and use it incorrectly. Use it correctly. Ragini, you seem to be a very stylish DJ. We saw you in PVR Juhu also with white. Thank you so descending much. You're noticing my style a lot. Yeah. Thank you so much. Apparently, I'm being noticed a lot. Thank you. I take it as a compliment. Descending from the above, like a fairy, like in white. Oh. So, मारी डालोगे और आपके उसमें आपने शू देखे थे आपने जो आपने उसे शू पहने थे उसे मतलब इन्होंने मेरे हर चीज को ऑब्जर्व किया है थैंक यू तो आई थिंक आजकल स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो बिकॉज बहुत बातें होती है फैशन पुलिस टेक्स अप ऑन यू इफ योर शूज आर नॉट राइट इफ योर क्लोथ्स आर नॉट राइट तो फैशन इज मोर Fashion is more of a personal style statement. It's how you want to be received. It's how you dress up. Okay. इस title का TV show भी बहुत अच्छा बनेगा ना? यार ये तो producer और creatives को पता है कि इसका TV show कैसा बनेगा. ठीक है? ये मेरे हाथ में नहीं है. I'm sure बहुत जल्दी बन जाएगा. And any favorite monsoon song? I like that song. एक लड़की भीगी भागी सी ओके नहीं पूरा मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो कोई बात है ओके बाय देखो दोस्त बिल्कुल भी नर्वस नहीं है प्रोड्यूसर अभी बाहर मिला प्रोड्यूसर खुश है लोगों को कल जो जर्नलिस्ट को और क्रिटिक्स को दिखाई फिल्म उन्हें पसंद आई एंटरटेनिंग फिल्म है यू नो रोमांटिक कॉमेडी और उसमें एक एडिशन वो ये कि मैं इसमें काफ़ी समय के बाद खलनायक की भूमिका में दिखाई दूंगा फिल्म में फिल्म जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर एक नई अलग तरह की लवर्स की प्रॉब्लम है डिलेमा है और वो डिलेमा और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है जब मेरा कैरेक्टर धप्पी दादा स्क्रीन पर आता है तो मैं भी अभी तक फिल्म देखी नहीं है पहली बार देखने के लिए जा रहा हूँ फिल्म अच्छी लगी तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बहुत ज़ोर से जफ्फी डालूँगा अदरवाइज उसके बाद उनको बोलूँगा बहन होगी तेरी अपने पास रखो My darling, I'm here to celebrate the opening of my film. I'm an actor. I'm only interested at this moment about my film, Behan Hogi Teri, and various things related to that. Thank you so much.